पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा आज आयसर चौराहे से लेकर थाना सेक्टर 1 तक जन आक्रोश रैली निकाली एवं इसके साथ ही बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश सैन ने मीडिया से चर्चा करने के दौरान बताया कि यह रैली नहीं आम जन का आक्रोश है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आदेश अनुसार पूरे प्रदेश में रैली निकाली गई है। जिस तरह पेट्रोल डीजल गैस की मूल्य वृद्धि लगातार की जा रही है, वहीं रोजमर्रा की उपयोगी वस्तुएं दाल चावल दही आदि चीजों पर लगाए गए अनैतिक GST को हटाया जाए। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। जो एक ज्ञापन दिया है, क्या था पूरा, किस संबंध में ज्ञापन दिया है? ये आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनुसार राज्य कांग्रेस भोपाल के निर्देश अनुसार आज महंगाई के खिलाफ, ईडी के खिलाफ, GST के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, बढ़ती हुई बेरोजगारी के खिलाफ आज हमने शहर कांग्रेस के तत्वाधान में आज महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। क्या क्या मांगे रखी गई आपके द्वारा ज्ञापन में? दूध दही घी छाछ गैस सिलेंडर डीजल पेट्रोल और भी अन्य जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसमें हमने लिखी हैं और ये भाव कम होना चाहिए। हम राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी से निवेदन कर रहे हैं, इसलिए हमने ज्ञापन दिया। आपका नाम पत्र? मेरा नाम जगदीश सैन, शहर कांग्रेस अध्यक्ष। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।